गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम रियाज है, पेशे से एक टेलर मास्टर, कम पढ़े हुए, मगर जिंदगी में ड्रीम बहुत बड़ा था। जैसा अभी नरजीत ने बताया, एक ड्रीम बहुत स्ट्रांग था कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, और उसके लिए बहुत मेहनत करते थे, कई कई काम करते थे, 18-18 घंटे काम करते थे, कहीं से कुछ दिखता नहीं था। और इत्तेफाक था कि हम लोगों को 6 महीने बाद एक कन्वेंशन मिला था, दिल्ली जाना पड़ा था, और उस कन्वेंशन में जाने के बाद लगा कि नहीं रियाज, यहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। और फिर हमने एक किताब पढ़ी, वो मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगा, इत्तेफाक था जूही कॉर्पोरेट, मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें वो स्टोरी थी भी हमको बहुत रिलेट किया, हो सकता है शायद आपको भी रिलेट करे। उसमें पहले ही चैप्टर में एक कहानी है कि एक नीलाम करता था, वो बहुत सारी चीज़ों को नीलाम कर रहा था, और नीलाम करते करते जब सब चीज़ें नीलाम हो गई, जब सब चीज़ें बिक गईं, तो आखिर में एक वायलिन टूटा हुआ रखा हुआ था, मजाक में उसने कहा इसका कोई $1 देगा, तो सब हंसने लगे। और जब सब हंसने लगे तो पीछे से एक बुजुर्ग आए, उन्होंने आवाज़ दी ठहरो, और कहते धीरे धीरे ऊपर आए स्टेज पर आकर उस टूटे हुए वायलिन के तारों को जोड़ा, उसके गर्दे को साफ किया, उसको ट्यून किया, और ट्यून करने के बाद उन्होंने उसको बजाना शुरू किया। और जब उसको बजाने लगे तो सब मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होने के बाद फिर उन्होंने नीलामकर्ता के हाथ में दिया और धीरे 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 पीछे चले गए। अब वही वायलिन की पता चला, पीछे से आवाज़ आई $5, उधर से आवाज़ आई $25, और कहीं से आवाज़ आई $100, और वही वायलिन जो $1 का नहीं बिक रहा था उसकी कीमत $1000 पहुंच गई थी। यही हम लोग की जिंदगी के साथ होता है, सारी जिंदगी काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं हासिल होता, और बहुत से सपने देखे होते हैं, और जब इतनी मेहनत तो अपनी लाइफ अपने बच्चों में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों पे कब गर्दा चला जाता है पता नहीं होता, पैसा कमाने में इतना तरम भरम हो जाते हैं कि कब हमारे कहते नहीं हमारी जिंदगी के तार टूट जाते हैं, हमको पता नहीं होता। मगर वो कन्वेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद फिर से हमारे जिंदगी के तारों को कोई ट्यून करता है, हमारे सपनों पे पड़े हुए गर्दा को कोई साफ करता है, और एक बार जब वो अपनी धुन बजाता है तो हम अपने सपनों को रिलेट कर पाते हैं। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।